नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। अभिनव कुमार यहाँ से 9 बजे से ही बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं ट्रेन। ट्रेन तो 2 घंटे बता रही है लेट। परेशानी तो है ही, जब टाइम टेबल से पहुँच ना सके। अभी ये तो बताया जा रहा है कि 1 घंटा 40 मिनट लेट है, ये तो कुछ नहीं बता रहा है। सही टाइम पे ट्रेन जो है ना चालू करे, और क्या, यही सरकार से अपील करना चाहेंगे। सुशील कुमार है जी, इंतजार में बैठे हुए जी, 1.5 घंटा लेट है जी ट्रेन। परेशानी है जी, ठीक टाइम पर ट्रेन आ जाती तो ठीक समय पर आगे पहुंच जाते हैं हम लोग। किसान आंदोलन की वजह से तो परेशान हो रहे हैं। अपील ये करना चाहें, किसान अपने आराम से अपना आंदोलन वापस लें, और आम जनता जो दुखी हो रही है वो ठीक ढर्रे पे अपना लोगों का व्यापार, लोगों का आना जाना लगा रहे। हमारा नाम निशान सिंह है, हम सुबह 9 बजे के आए हुए हैं, मतलब हमारी ट्रेन 10:30 बजे तक है, अभी लेट चल रही है। काल तख्त में हमने पटना साहब जाना है, इसलिए अभी तो कोई इंक्वायरी से पता किया है, अभी तक कोई पूछताछ नहीं कर रहे। कहते 2 घंटे भी लग सकते हैं, लेट 3 घंटे भी हो सकती है। अभी 11:10 हो गए हैं, अभी तक तो कोई पता नहीं चल रहा है। ट्रेन लेट है 3-4 घंटे तक, आम आदमी कहते हैं कि 3-4 घंटे लेट है। बाकी देखते हैं, ट्रेन तो अभी 4 घंटे लेट है। परेशानी तो देखो, इधर बैठने के लिए जगह नहीं है, पानी के लिए ये भी तो उखाड़ दिया है, तो हाथ धोने के लिए पानी नहीं है इधर। परेशानी तो है ही है, दिक्कत तो है ही हर आदमी को। परेशानी तो देखा जाए तो गर्मी का मौसम है, पानी चाहिए, हाथ धोने के लिए पानी नहीं है लोगों को। तो बाकी देखते हैं आगे क्या बनता है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। परेशानी तो सरकार से तो यही अपील करना है कि अगर किसान आंदोलन जल्दी से आप उठा देते हो तो आम आदमी बहाल हो जाएगा। आम आदमी ही रुका हुआ है, जो स्टेशनों पे रुका है, जहाँ दूसरी तरफ से कट मार करके आ रहा है, बसों में आ रहा है, को टैक्सियों में आ रहा है। तो इसलिए हम तो अपील यही करते हैं कि भाई उनकी मांगे पूरी करके उनको जल्दी निबेड़ दो, ताकि ये बहाल हो जाए ट्रेन, हर तरह की सुविधा हो जाए। मतलब यहाँ तो अभी तो बहुत बुरा हाल है, स्टेशनों पर सभी लोग इस तरह ही बैठे हैं, कोई रात का बैठा है, ट्रेनें लेट चल रही हैं। बाकी क्या करें, कुछ देखिए, अभी आज सुबह 6 बजे तक लगभग 2194 ट्रेनें प्रभावित हो चुकी हैं इससे, मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर मिला के, जिसमें 993 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर। 201 गाड़ियां अभी तक शॉर्ट ओरिजिनेट और शॉर्ट टर्मिनेट होकर चलाई हमने, और लगभग 1005 गाड़ियां जो हैं अभी तक वो डाइवर्टेड रूट से चलाई जा चुकी हैं। कुल मिला के 2194 गाड़ियां प्रभावित हैं मेल और पैसेंजर मिलाकर। नहीं, इन्फॉर्मेशन तो देखिए हम दे रहे हैं जो अलग अलग माध्यम से, जितने भी रिजर्व पैसेंजर्स हैं उनको हम बल्क SMS, जो हमारा PRS सिस्टम है उसके थ्रू SMS जा रहा है स्टेशन पे, हम प्रॉपर अनाउंसमेंट्स चल रहे हैं लगभग सभी स्टेशन्स पे। इसके अलावा हम प्रतिदिन मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से वो भी जानकारी पैसेंजर्स को दे रहे हैं, और बड़े स्टेशन्स पे हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहाँ पे कि अगर कोई पैसेंजर आता है उन्हें कोई जानकारी चाहिए तो वो जानकारी उन्हें मिल जाए। इसके अलावा मालगाड़ियाँ जो हैं, मालगाड़ियाँ भी लगभग 249 के आसपास मालगाड़ियाँ डाइवर्टेड रूट से चलाई गई हैं। कुल मिला के अभी 2400+ गाड़ियाँ इससे प्रभावित हो गई हैं।